नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केवाला और खतियान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों केवाला अर्थात जमीन रजिस्ट्री का पेपर और खतियान में क्या अंतर होता है, इसी को जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे केवाला और खतियान में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों खतियान वह दस्तावेज होता है जो सर्वे में तैयार किया जाता है। सर्वे में पहला चरण जो सर्वे का होता है वह होता है किस्तवार एवं पैमाइश। उसके बाद दूसरा चरण जो होता है वह होता है खानापूरी। तो खानापूरी के अंतर्गत अधिकार और अभिलेख का विवरण किया जाता है, जिसके अंतर्गत खतियान तैयार किया जाता है और खतियान सर्वे के समय ही तैयार होता है। खतियान में जमीन संबंधित पूर्ण विवरण लिखा हुआ रहता है, जैसे कि रैयत का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, जमीन की किस्म, कैफियत, जमीन का जो रकबा होता है वह एकर, हेक्टेयर, डिसमिल में, बीघा, कट्ठा, धूर में, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। साथ ही परगना, तौजी, थाना नंबर, मौजा का नाम, अनुमंडल, जिला, ये सारा विवरण उसमें रहता है और यह दस्तावेज सर्वे में ही तैयार होता है। तो खतियान ऐसा दस्तावेज होता है। अब बात करते हैं केवाला अर्थात बैनामा, या जिसे हम रजिस्ट्री पेपर बोलते हैं। तो जमीन रजिस्ट्री का जो पेपर होता है जिसे केवाला कहते हैं या बैनामा कहते हैं, वह पेपर जब हम किसी भी खतियानधारी से या फिर कोई भी व्यक्ति जिनके नाम से पहले से जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो, उनसे जब हम जमीन खरीदारी करते हैं, तो उस समय जो आपका निबंधन कार्यालय होता है वहां से जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं। तो उस कार्यालय से, निबंधन कार्यालय से जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर हमारा रेडी होता है, तैयार होता है, जमीन हम खरीदते हैं, जो जमीन रजिस्ट्री होती है, तो उसे केवाला कहा जाता है। वह केवाला हम किसी खतियानधारी से खरीदते हैं तो मेरा बनता है, या फिर किसी के नाम से पहले से केवाला है उससे यदि हम खरीदते हैं तो भी हमारा जमीन रजिस्ट्री का पेपर बनता है, अर्थात केवाला बनता है, जिसे हम बैनामा भी बोलते हैं। तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वह यह है कि खतियान जो है वह सर्वे में तैयार किया जाता है, और जमीन रजिस्ट्री का जो पेपर है अर्थात बैनामा या केवाला कहें, तो ये जो बनता है जब हम किसी व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं तो जिला निबंधन कार्यालय या आपका मान लीजिए अनुमंडल निबंधन कार्यालय, जहां से आपकी जमीन रजिस्ट्री होती है वहां से हमारा ये पेपर रेडी होता है, जमीन रजिस्ट्री का पेपर। लेकिन जमीन संबंधित विवरण दोनों में रहता है। अब जमीन संबंधित विवरण की बात करें तो जो भी जमीन खरीदार होते हैं उसमें खाता नंबर वही रहता है जो कि सर्वे में खतियान में लिखा गया होता है, खाता नंबर वही रहेगा। जिस व्यक्ति से जमीन खरीदा गया उसका जो खेसरा होगा तो वही खेसरा नंबर रहेगा। तो जमीन रजिस्ट्री जो करवाते हैं उनका अपना कोई खाता नंबर नहीं होता है, उनका कोई अपने नाम से खेसरा नहीं होता है। जो पहले से किसी खातेधारी के नाम से रहता है उसी का जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो हमारे नाम पर वो आता है।
तो दोनों में मुख्य अंतर जो है यही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।